हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी इंटरस्टेलर। सो लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर इंसानों ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, जिसके कारण नेचर का बैलेंस खराब हो गया था। हमें बताया जाता है कि चारों तरफ भुखमरी फैल गई है, जिसके कारण लोगों को दो टाइम का खाना जुटाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हमें मूवी में मेन करेक्टर कूप दिखाया जाता है, जिसे एक सपना आ रहा होता है। वह उस सपने में अपने आप को एक रॉकेट का पायलट देखता है और कुछ टाइम बाद वो रॉकेट क्रैश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है। उसके सामने उसकी लड़की मार्फ होती है, जो उससे पूछती है कि क्या आपको बुरा सपना आया था। तो कूप बोलता है नहीं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कूप का एक लड़का, जिसका नाम टॉम होता है, वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। कूप टॉम से बोलता है कि टॉम, आज मैं तुम्हें हर्बिसाइड्स का यूज करना सिखाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि कूप एक पायलट होता है, जिसने अब वो काम छोड़ दिया होता है और कूप अब मक्के की फार्मिंग करता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ मक्के की खेती बची थी। इसके अलावा अन्य सभी फसलों के लिए एनवायरमेंट खराब हो गया था। टॉम, कूप एंड माफ गाड़ी में जा रहे होते हैं। उनको एक रॉकेट दिखाई देता है। कूप टॉम को कार ड्राइविंग के लिए देता है और कूप रॉकेट को ट्रैक करते हुए उसे हैक कर लेता है। कूप उसको एक जगह लैंड करा देता है। वे सभी उसके पास जाते हैं। कूप बच्चों को बताता है कि ये रॉकेट अप्रोक्सीमेट 20 साल से एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। कूप उसकी बैटरी निकाल देता है और वहाँ से सीधा मार्फ के स्कूल में जाता है। वहाँ पर टीचर कूप को बोलती है कि आपके बच्चे टेक्निकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वर्ल्ड को इस टाइम साइंटिस्ट की नहीं बल्कि फार्मर्स की ज्यादा जरूरत है। हमें पता चलता है कि कूप अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहता था। कूप वहाँ से अपने घर चला जाता है। आज वे सभी बेसबॉल देखने जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद एक डस्टी तूफान आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। कूप की फैमिली अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अगले दिन कूप उठकर मैप्स को चेक कर रहा होता है, तो और उसे मैप में कुछ अजीब कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता चलता है। कूप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां चला जाता है। वहां पर उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसको एक रूम में ले जाते हैं। वहां पर मर्फ आती है, जो उसको एक रूम से दूसरे रूम में ले जाती है, जहां पर कई साइंटिस्ट बैठे होते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रांड कूप को बताता है कि अर्थ का एनवायरमेंट डिसबैलेंस हो गया है और हम सभी को अर्थ को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना होगा, क्योंकि कुछ साल बाद यहां पर किसी भी चीज की फार्मिंग नहीं की जा सकेगी। डॉक्टर ब्रांड कूप को एक रॉकेट दिखाता है और बताता है कि ये वही रॉकेट है जिसका तुमको पायलट बनना है। कूप बोलता है कि मैं पहले कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं गया, लेकिन डॉक्टर ब्रांड बोलता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो हमको दूसरे प्लैनेट तक ले जाएगा। दूसरा साइंटिस्ट उनको बताता है कि हमने एक ब्लैक होल को खोज लिया है, जिससे होकर हम दूसरी गैलेक्सी में जा सकते हैं। वो साइंटिस्ट बताता है कि हमने पहले भी 12 साइंटिस्ट को वहां पर भेजा है, जिनमें से हमें 3 साइंटिस्ट का सिग्नल मिला है। इस पर डॉक्टर ब्रांड बोलता है कि कूप, अगर तुम वहां पर नहीं गए और नया प्लैनेट नहीं ढूंढा, तो तुम्हारे बच्चों की जनरेशन लास्ट ह्यूमन जनरेशन होगी। कूप मान जाता है और उसकी घर जाकर अपनी बेटी मार्फ से लड़ाई हो जाती है कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे। कूप मार्फ को एक घड़ी देते हुए बोलता है कि मार्फ, जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, और ऐसा बोलकर कूप वहां से चला जाता है। हमें एक एयरशिप का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कूप, डॉक्टर ब्रांड, रोमेली एंड डॉयल बैठे होते हैं और वे सभी अर्थ के एटमॉस्फेयर से एयरशिप की हेल्प से एक्सटर्नल स्पेस में चले जाते हैं। वहां पर जाकर वो सबसे पहले एयरशिप को स्पेस स्टेशन से कनेक्ट करते हैं और स्पेस स्टेशन को चालू करते हैं। मर्फ के फादर उनको मैसेज करते हुए बोलते हैं कि अपनी रात को खराब न करना, दिन में पूरी जान लगा देना और सुबह जल्दी तैयार हो जाना। कूप एक मैसेज रिकॉर्ड कर डॉक्टर ब्रांड को भेजता है। डॉक्टर ब्रांड उसे कूप की फैमिली के पास ले जाता है और उनको बोलता है कि अगर आपको कूप के लिए कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है तो मुझे मैसेज रिकॉर्ड कर दे दें। मर्फ और कूप मिशन से रिलेटेड बातें करते हैं और स्पेस स्टेशन के सभी मेंबर्स हाइपर स्लीप में चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे सभी सैटर्न के पास पहुंच गए हैं और वो उस ब्लैक होल को देखते हैं, जिस पर कूप पूछता है कि हमें बुक्स में ब्लैक होल सर्कुलर दिखाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये स्फेरिकल होते हैं। डॉयल कूपर को ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। हमें दिखाया जाता है कि कूपर स्पेस स्टेशन को ब्लैक होल के अंदर ले जाता है, जहां पर सभी डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो कुछ ही देर बाद उस ब्लैक होल से बाहर आकर दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके पास 3 साइंटिस्ट का मैसेज आया था, तो वो सभी प्लान बनाते हैं कि हम सभी एक एक प्लैनेट पर जाकर वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे। कूप, मर्फ एंड डॉयल स्पेस में से एयरशिप को लेकर उस प्लैनेट की तरफ चले जाते हैं। सो गाइज, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस प्लैनेट पर वो जा रहे होते हैं, वहाँ पर 1 आवर पृथ्वी के 7 ईयर्स के बराबर होता है। ये सभी कुछ टाइम रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो मूवी की तरफ चलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कूपर उस प्लैनेट पर पहुंचकर एयरशिप को बड़ी मुश्किल से सेफ लैंडिंग करा देता है। मर्फ, डॉयल एंड टारस, जो एक रोबोट होता है, मिलर को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसको वहां पर उनकी स्पेसशिप के टुकड़े मिलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो जैसे ही इस प्लैनेट पर पहुंची थी, उसका एयरशिप क्रैश हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि
मर्फ को उस एयरशिप का डाटा स्टोरेज का पार्ट मिलता है जिसमें मिलर आई थी। वो डाटा स्टोरेज का पार्ट काफी भारी होता है जिसके कारण वह उसे उठा नहीं सकती थी। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक बहुत बड़ी पानी की लहर आ जाती है और कूप उनको जल्दी ही एयरशिप में आने के लिए बोलता है। टारस मर्फ को वहाँ से उठाकर एयरशिप में ले जाता है, लेकिन इस हड़बड़ाहट में इनका एक साथी डॉयल लहरों के साथ डूब जाता है। वो लहर उनके एयरशिप को ले जाती है जिससे उनके एयरशिप में पानी भर जाता है। टारस उस पानी को निकालने के लिए एयरशिप को कमांड दे देता है और बोलता है कि इस चीज में 45 मिनट्स लगेंगे। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद एक और लहर आ जाती है, तभी कूपर एयरशिप का इंजन ऑन कर एयरशिप की फुल स्पीड कर देता है और वहां से जल्दी निकल जाता है। वे दोनों उस प्लेनेट से सीधा स्पेस स्टेशन पर पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि उनको उस प्लेनेट पर 23 साल का टाइम लग गया था। वो दोनों इस बात को सुनकर काफी दुखी हो जाते हैं। रोमेली बताती है कि इस लंबी ड्यूरेशन में हमें काफी मैसेजेस आए थे। कूप उन मैसेज को देखने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कूप का बेटा टॉम बड़ा हो गया है और इसका एक बच्चा भी होता है। कूप अगली वीडियो चलाता है जिसमें टॉम की वाइफ की डेथ हो चुकी है और टॉम बोलता है कि आप जहां पर भी होंगे सही होंगे। कूप ये देखकर रोने लग जाता है क्योंकि वह जिस प्लेनेट पर गए थे उस प्लेनेट के कुछ आर पृथ्वी पर 23 साल के बराबर हो चुके थे। कूप देखता है कि मार्फ पहली बार कूप को मैसेज करती है और उसको कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था कि जब मैं आपके बराबर हो जाऊंगी तो आप मुझसे मिलने आएंगे। कूप मैसेज को छोड़कर अपने टीम मेंबर से बात करता है। मर्फ कहती है कि अब हमें उस प्लेनेट पर जाना चाहिए जिस पर से एडमंड सिग्नल भेज रहा था और इस सीन से हमें ये पता लगता है कि मर्फ एडमंड से प्यार करती है। लेकिन वो सभी वोटिंग करते हैं जिसमें यह तय होता है कि वे सभी उस प्लेनेट पर नहीं जा रहे जिस पर से एडमंड सिग्नल भेज रहा है। वे सभी उस प्लेनेट पर जाएंगे जिस पर से डॉक्टर मैन सिग्नल भेज रहा होता है। मर्फ कूप से बोलती है कि अगर हमें वहां पर लाइफ नहीं मिली तो तुमको ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हें वापस पृथ्वी पर अपने बच्चों के पास जाना है या तीसरे प्लेनेट पर जाकर ह्यूमन की आबादी को आगे बढ़ाना है। तो गाइस इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं और मैं चाहता हूं कि इस मूवी को मैं दो पार्ट में एक्सप्लेन कर पाऊं जिससे कि आपकी स्पेस से रिलेटेड नॉलेज को मैं एनहांस कर सकूं। तो गाइस आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।